हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्टडी विथ अरविंद। स्वागत है आपका स्टडी विथ अरविंद में। प्रतिदिन की तरह हम आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट जो स्टार्ट किए थे, तो कुछ दिनों से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम और स्वास्थ्य सही न होने के कारण आप सभी के लिए क्लास नहीं ले पा रहे थे, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो चलिए आज लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट संख्या 17। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रसिद्ध मूर्तिकार पद्मश्री प्राप्त अर्जुन प्रजापति का निधन कब हुआ था? तो प्रसिद्ध मूर्तिकार जो पद्मश्री प्राप्त हैं अर्जुन प्रजापति, इनका निधन कब हुआ था? ऑप्शन 1 12 नवंबर 2020, 2 14 नवंबर 2020, 3 9 अप्रैल 2020, 4 8 अप्रैल 2020। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी 12 नवंबर 2020 को पद्मश्री प्राप्त अर्जुन प्रजापति जी का निधन हो गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2, मूल रंग के समूह कौन से हैं? तो मूल रंग के समूह कौन से हैं? ऑप्शन 1 काला लाल पीला, 2 नीला पीला लाल, 3 नीला हरा लाल, 4 पीला नीला हरा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी नीला पीला लाल, या लाल लाल नीला पीला, रेड येलो ब्लू। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3, जापानी कला इकेबाना क्या है? तो जापानी कला जो इकेबाना कला है, यह जापानी कला है और इसे और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 1 है चित्र, 2 पुष्प संयोजन, 3 ग्रह सज्जा, 4 मार्शल आर्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, पुष्प संयोजन। इकेबाना कला को क्या कहते हैं? पुष्प संयोजन भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, पुष्प संयोजन। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय कला का स्वर्ण काल किसे माना जाता है? तो भारतीय कला का स्वर्ण काल किसे माना जाता है? ऑप्शन 1 मौर्य काल, 2 शुंग काल, 3 गुप्त काल, 4 कुषाण काल। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी गुप्त काल को भारतीय कला का स्वर्ण काल माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5, वेदों की रचना किस भाषा में हुई है? वेदों की रचना जो है वह किस भाषा में हुई है? ऑप्शन 1 हिंदी, 2 देवनागरी, 3 फारसी, 4 संस्कृत। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी संस्कृत भाषा में वेदों की रचना हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, संस्कृत। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6, द्वितीय श्रेणी के रंग होते हैं? तो द्वितीय श्रेणी के रंग कौन कौन से होते हैं आपको पहचानना है। ऑप्शन 1 लाल पीला नीला, 2 श्वेत पीला काला, 3 हरा बैंगनी नारंगी, 4 इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी हरा बैंगनी नारंगी जो है यह सेकेंडरी कलर है, द्वितीयक रंग है, और जो प्राइमरी कलर है वह लाल पीला नीला, यानी रेड येलो ब्लू, यह प्राइमरी कलर है। और सेकेंडरी कलर जो होते हैं वह प्राइमरी कलर के मिलाने से जो कलर तैयार होते हैं उसे सेकेंडरी कलर कहा जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7, वुडकट तकनीक कौन सी कला के अंतर्गत है? तो वुडकट तकनीक जो है वह कौन सी कला के अंतर्गत है? ऑप्शन 1 चित्रकला, 2 छापा कला, 3 पुष्प संयोजन, 4 पॉटरी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी छापा कला। जो वुडकट तकनीक है यह छापा कला के अंतर्गत आती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी छापा कला। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम किसके द्वारा देख सकते हैं? प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम किसके द्वारा देख सकते हैं? ऑप्शन 1 दर्पण, 2 प्रिज्म, 3 दूरबीन, 4 एक्सरे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी प्रिज्म। प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम प्रिज्म के द्वारा देख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9, अलंकारिक आलेखन किन रेखाओं से बनाए जाते हैं? तो अलंकारिक रेखांकन जो है या आलेखन वह किन रेखाओं से तैयार किए जाते हैं? ऑप्शन 1 लयात्मक रेखा, 2 ज्यामितीय रेखा, 3 सीधी रेखा, 4 कठोर रेखा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी लयात्मक रेखा, लयात्मक रेखाओं के द्वारा जो है आलेखन बनाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 10, बाटिक कला किसमें प्रयोग किया जाता है? बाटिक जो है वह किसमें प्रयोग किया जाता है, किस पर प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 कपड़े पर, 2 कागज पर, 3 दीवार पर, 4 चेहरे पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी कपड़े पर।
बाटिक जो है यह कपड़े पर प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, क्वेश्चन नंबर 11। कामसूत्र के रचयिता कौन है? जो कामसूत्र नामक ग्रंथ है, पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन वन वात्स्यायन, टू भरत मुनि, थ्री यशोधर पंडित, फोर श्री कुमार। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, यानी वात्स्यायन द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, कामसूत्र जो है, और इसमें 64 कलाओं का उद्देश्य सॉरी उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, क्वेश्चन नंबर 12। रौंद्र रस का रंग क्या है? तो रौंद्र रस का रंग क्या है? ऑप्शन वन नीला, टू लाल, थ्री काला, फोर पीला। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, यानी लाल। रौंद्र रस का जो रंग है वह लाल रंग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, यानी लाल, रेड। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से एक त्रिआयामी कला है, तो वह कौन सी कला है जो त्रिआयामी कला है? ऑप्शन वन काव्य कला, टू मूर्तिकला, थ्री चित्रकला, फोर लिपिकला। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, यानी मूर्तिकला। मूर्तिकला जो है यह त्रिआयामी कला है, थ्री डायमेंशनल आर्ट है, तो इसे जो है त्रिआयामी कला भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, क्वेश्चन नंबर 14। कागज़ की कतरनों से बनाए जाने वाले चित्र को क्या कहलाते हैं? तो कागज़ की कतरनों से बनाए जाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन वन लिथोग्राफ, टू ऑफिक्स, थ्री इंटेग्लियो, फोर कोलाज। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, यानी कोलाज कहते हैं। कागज़ की कतरनों से जो चित्र तैयार किए जाते हैं उसे कोलाज कहते हैं, कोलाज पेंटिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से मोम का प्रयोग किस विधि में या किस विधि में चित्रण कार्य किया जाता है? ऑप्शन वन कोलाज चित्रण, टू बटिक चित्रण, ऑप्शन वन कोलाज चित्रण, टू भित्ति चित्रण, थ्री बटिक चित्रण, फोर फैब्रिक चित्रण। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, यानी बटिक चित्रण में मोम का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, क्वेश्चन नंबर 16। शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग कौन से हैं? तो शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग कौन से हैं? ऑप्शन वन सॉरी क्वेश्चन दूसरा है, सामान्य पेंसिल में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? सामान्य पेंसिल में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? क्वेश्चन नंबर 16 है, सामान्य पेंसिल में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? ऑप्शन वन है ग्रेफाइट, टू लोहा, थ्री कार्बन, फोर हीरा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, यानी ग्रेफाइट। सामान्य पेंसिल में जो है ग्रेफाइट प्रयुक्त होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 17, क्वेश्चन नंबर 17। शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग कौन से है या शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग कौन से होते हैं? ऑप्शन वन नीला, हरा, लाल काला, लाल पीला, काला सफ़ेद। तो ऑप्शन वन है नीला हरा, टू लाल काला, थ्री लाल पीला, फोर काला सफ़ेद। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, यानी नीला हरा। नीला हरा जो रंग है यह शीतल रंगों की श्रेणी में आते हैं, इन रंगों में शीतलता ज़्यादा होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, क्वेश्चन नंबर 18। सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान प्रोफेसर निलहम ओस्टवाल्ड ने कितने रंगों का चक्र प्रस्तुत किया था? तो जो ओस्टवाल्ड हैं इन्होंने कितने रंगों का चक्र प्रस्तुत किया था? ऑप्शन वन है थ्री, टू सेवन, थ्री फाइव, फोर एट। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, यानी एट। आठ रंगों का चक्र प्रस्तुत किया था किसने? सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान निलहम ओस्टवाल्ड ने। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, क्वेश्चन नंबर 19। उत्कीर्ण छायाचित्र को क्या कहते हैं? तो उत्कीर्ण छायाचित्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन वन इनले, टू इनटैनको, थ्री इंट्यूशन, फोर इंटेग्लियो। तो उत्कीर्ण छायाचित्रों को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, यानी इंटेग्लियो। उत्कीर्ण छायाचित्रों को इंटेग्लियो कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। चिकनकारी किससे संबंधित है? तो चिकनकारी जो है वह किससे संबंधित है? ऑप्शन वन चित्रकला, टू वस्त्रकला, फोर
गृह सज्जा, 3 पाक कला। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी वस्त्र कला। जो चिकनकारी है यह वस्त्र कला से संबंधित है। लखनऊ में ज़्यादातर चिकनकारी का जो कार्य है यह किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी वस्त्र कला। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, विरोधी रंग कौन से हैं। विरोधी रंग कौन से हैं? ऑप्शन 1 लाल हरा, 2 हरा नीला, 3 पीला लाल, 4 नीला बैगनी। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हरा लाल। जो कलर है यह विरोधी रंगों की श्रेणी में आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एक दूसरे के विरोधी रंगों की श्रेणी में आते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हरा लाल, लाल हरा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की व्याख्या किस प्रसिद्ध ग्रंथ में है। तो वह कौन सा प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसमें भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की व्याख्या की गई है। ऑप्शन 1 रामायण, 2 महाभारत, 3 कामसूत्र, 4 जयमंगला। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी जयमंगला में भारतीय चित्रकला के 6 अंगों का व्याख्या किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 जयमंगला। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, क्वेश्चन नंबर 23, वास पेंटिंग की शुरुआत किसने की। तो वास पेंटिंग की शुरुआत किसने की है? ऑप्शन 1 नंदलाल बसु, 2 रविंद्रनाथ, यहाँ पे स्वबींद्रनाथ लिखा हुआ, टाइपिंग मिस्टेक है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, या रविन्द्रनाथ ठाकुर, 3 अवनींद्रनाथ ठाकुर, 4 क्षितिनाथ मजुमदार। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी अवनींद्रनाथ द्वारा वास पेंटिंग की शुरुआत की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 अवनींद्रनाथ ठाकुर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, क्वेश्चन नंबर 24, शीघ्रता से किया गया रेखांकन अथवा चित्रण क्या कहलाता है। शीघ्रता से किया गया रेखांकन अथवा चित्रण क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 कोलाज, 2 भित्ति चित्र, 3 स्केच, 4 इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी स्केच। शीघ्रता से किया गया रेखांकन जो है इसे स्केच कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है और आज की श्रृंखला का प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है, किसके द्वारा स्क्रीन प्रिंटिंग की छपाई की जाती है। तो किसके द्वारा स्क्रीन प्रिंटिंग की छपाई की जाती है? ऑप्शन 1 शिला द्वारा, 2 लकड़ी द्वारा, 3 जिंक प्लेट द्वारा, 4 रेशम के कपड़े द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी रेशम के कपड़े द्वारा स्क्रीन प्रिंटिंग की छपाई की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो कैसी लगी आज की क्लासेज आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप सबको किसी भी प्रश्न की प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और आप सभी को इस प्रश्न वाली की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।